अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं कच्चे मसाले का आलू गोश्त। आलू गोश्त कोई न्यू रेसिपी नहीं है, बट इसको पकाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मसाले तकरीबन वही हैं जो डेली यूज़ में हम लोग लेते हैं, बट इसको पकाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कच्चे मसाले का आलू गोश्त बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए आधा किलो हड्डी वाला गोश्त, बीफ मटन एज योर चॉइस, दो दरमियानी साइज़ की प्याज कटी हुई, वन प्याली दही, तीन से चार अदद साबुत हरी मिर्च, एक पाव आलू, आप इसको लंबाई में काट लें या गोलाई में एज योर चॉइस, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, टू टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हसबे जायका नमक, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 कप ऑयल एंड वाटर एज योर रिक्वायर्ड। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल हमें गर्म नहीं करना, तो इसलिए गोश्त ऐड कर दिया। इसमें प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, पिसा हुआ धनिया और हाफ प्याली दही। हाफ प्याली अभी डालेंगे और हाफ प्याली हम भुनाई के टाइम पर ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। मसाला मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, अब इसमें हम हसब ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इतना ऐड करना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए हसब ज़रूरत इसमें हमने पानी ऐड कर दिया और सब मसाले हमने कच्चे डाले, कुछ भी भुनाई नहीं किया। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा तब हम इसमें आलू डाल के खूब अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर गोश्त गलने तक पकने रखते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए, मैं इसको ज़रा चेक करती हूँ। पानी इसमें ड्राई हो रहा है, तो हम इसके अंदर 1 कप पानी और ऐड कर देते हैं और कवर करके दोबारा इसको गोश्त गलने तक पकाने रखते हैं। तकरीबन 45 मिनट्स हो गए पकने के लिए जब हमने रखा था, अब इसको हम चेक करते हैं। गोश्त अच्छी तरह से गल गया, अब इसमें हम आलू ऐड करते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला और जो हाफ प्याली दही हमने सेव करके रखा था वो ऐड करते हैं। अब इसको मिक्स करके खूब अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम थोड़ा हाई करते हैं। भुनाई थोड़ी हाई फ्लेम पे करनी है। ओके, इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें खूब अच्छी तरह से भुनाई हो रही है, आप देख सकते हैं। भुनाई हमें इतनी अच्छी करनी है कि ये जो प्याज हमारी खड़ी खड़ी नज़र आ रही है ये बिल्कुल अच्छी तरह से पिस जाए। ये देखिए भुनाई अच्छी तरह से हो गई है, ये आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करते हैं साबुत, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब ग्रेवी करने के लिए हसब ज़रूरत पानी ऐड करते हैं। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए इसकी थिकनेस। अब कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए दम पे रखते हैं और फिर इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए मज़ेदार कच्चे मसाले का आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कुछ अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।